ये भी बहुत क्यूट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। सुबह 5:30 बजे हमने जर्नी शुरू की ऋषिकेश से और हम पहुंच गए हैं भीमताल वॉलनट ग्रीक। ये होटल है जहां पर हमने चेक इन किया है। ग्रीनरी देखिए कितनी सुंदर है, मुझे ये बहुत पसंद आती है क्योंकि हर जगह मैं यही ढूंढती हूँ और यहाँ पर तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने इसको मेंटेन किया है। ये प्लांट देखिए, ये मेरे घर में भी है। हम लोग कैंची धाम गए थे, वहाँ से लेकर आए थे, पर वो भी छोटा सा है। हम भीमताल एक्चुअली कई बार यहाँ से जब निकलते हैं मुक्तेश्वर, हम क्योंकि कई बार गए हैं तो जब जाते हैं यहाँ से तो हम भीमताल में कम टाइम स्पेंड किया हमने, लेकिन क्योंकि जगह बहुत सुंदर है, अपने आप में इतना प्यारा हिल स्टेशन है और बहुत ज़्यादा हिल्स पे नहीं जाना पड़ता है आपको, एक प्लेन एरिया में ही आपको मिल जाता है। तो और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं आज। हम आ गए हैं लेक के बिल्कुल पास, गाड़ी की पार्किंग के लिए जगह है यहाँ पर। और ये बहुत ही प्राचीन टेंपल है, भीमेश्वर महादेव का टेंपल है, इसी के नाम पर एक्चुअली भीमताल पड़ा है। और ये 1370 मीटर की समुद्र तल से ऊंचाई है इसकी, और यहाँ से पूरा ये जैसे रास्ता बना हुआ है। सामने हमें एक एक्वेरियम कैफ़े दिख रहा है, लेकिन उस कैफ़े तक जाने के लिए मैं सोच रही थी किस तरह से जाएंगे। अभी हमने पूछा है वहाँ पर बोट से जा सकते हैं आप, तो अभी देखते हैं कोई बोट अवेलेबल है या नहीं। ये है वो कैफ़े, बिल्कुल बीचों बीच है लेक के, और इतनी सारी गूंज दिख रही है यहाँ पर, आवाज़ भी आ रही है। इस तरफ से जाके नीचे मंदिर का रास्ता है, हम मंदिर चलते हैं पहले। मुझे पानी की यहाँ से बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है, बहुत तेज़, ऐसे लग रहा है जैसे पूरा ये एक्चुअली ये पानी लेक का ही है। इस जगह का नाम जैसे कि भीमताल कहा जाता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ आसपास बहुत सारे और भी, जैसे सात ताल, नकुचिया ताल, इस तरह के और ताल भी हैं। देखने वाली जगह है और इतना खूबसूरत हिल स्टेशन है ये कि अभी जैसे हम बीच में खड़े हैं और चारों तरफ आपको लेक ऐसे दिख रही है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर कितनी शांत और शांति बहुत है यहाँ पर। लेक से होते हुए बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है बच्चों? इन्हें रोज़ अच्छा लगता है। ये प्रॉपर एक सिटी है, आपको सारी सुविधाएं यहाँ मिलती हैं, जिस तरह से हम स्कूल देख रहे हैं, हॉस्पिटल भी है और प्रॉपर पार्किंग यहाँ पर दी हुई है। शांति बहुत है यहाँ पर। देखिए सुबह सुबह आपको लेक के साथ मंदिर के दर्शन होते हैं और बच्चे जैसे तरह से स्कूल जा ही रहे हैं, लेकिन उनको इसलिए जब हम किसी जगह पर रोज़ जाते हैं तो इतना कॉमन चीज़ हो जाती है वो कि हमें कुछ अलग नहीं लगता, लेकिन हम लोगों के लिए ये चीज़ अलग है। जय श्री भीमेश्वर महादेव। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे शिवलिंग और जिस तरह से ये नंदी जी हमें दिख रहे हैं, बहुत ही देखने से ही प्राचीन लग रहे हैं। और जैसा कि यहाँ पर क्योंकि ये उस समय से है, इस मंदिर की स्थापना ही भीम ने की थी, सारी प्रतिमाएं आपको यहाँ पर प्राचीन दिखेंगी। यहाँ पर हमें लिखा दिख रहा है ये एक्वेरियम आइलैंड कैफ़े, एंट्री फी 100 रुपीज़, वॉशरूम नॉट अवेलेबल, प्लीज़ यूज़ बिफोर विजिट। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ ज़रूरी है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, आप विज़िट करके आ सकते हैं। अब वॉशरूम एक ऐसी चीज़ है कि कहीं भी किसी को ज़रूरत पड़ सकती है, बट वो अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हमें दिख रहा है टापू राउंड किराया 250 रुपीज़, 2 बच्चे 2 बड़े प्रति बोट, तो आप बोटिंग करने जा सकते हैं यहाँ पर, पूरा राउंड लगा कर आ सकते हैं, 2 बच्चे 2 बड़े। और यहाँ पर बहुत सारी बोट्स दिख रही हैं, गूज फ्री है साथ में, वो भी आपके साथ जाती है। और लेक के किनारे खड़े होकर चाय की चुस्की का मज़ा ही अलग होता है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है और साथ में सर्दी की धूप में गर्मा गर्म चाय। एक्चुअली हम लोग अभी जब जयपुर गए थे तो वहाँ पर वेदर बिल्कुल चेंज था, हम लोग जैकेट्स लेकर गए थे पर ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वहाँ हमें फ़ैन चलाना पड़ा। और यहाँ पर हम हल्के गर्म कपड़े लेकर आए थे क्योंकि हमें थोड़ा सा अंदाज़ा था वेदर का, और अच्छा हुआ लेकर आए क्योंकि यहाँ पर अभी अच्छा है, वेदर प्लेजेंट है। हिल स्टेशन एक्चुअली इसीलिए लोग पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर वेदर अच्छा रहता है, और क्योंकि लेक के पास का जो एरिया होता है वो वैसे भी हमेशा ठंडा ही रहता है, तो इसलिए आप इस जगह को प्रेफर कर सकते हैं। जय बजरंगबली, कितनी विशाल प्रतिमा है, बहुत सुंदर है। और यहाँ पर हमें दिख रहा है पिंडी दर्शन राधा कृष्ण झा की, राम मंदिर, शनि नवग्रह मंदिर, तो यहाँ पर अंदर मंदिर है ये पूरा और बहुत बड़ा परिसर लग रहा है ये हमें। आइए चलते हैं देखते हैं। और ये देखिए पूरी गुफा हमें दिख रही है पीछे से जाते हुए, इसमें अंदर से आप जाकर पूरा दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद ये दूसरा मंदिर साथ में ही है,
दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग. अभी हम लोग नौकुचिया ताल की तरफ जा रहे हैं और ये रास्ते में हमें बड़ा एक्साइटिंग प्लेस दिखा. दिस इज़ स्टार गेट ऑब्जर्वेटरीज. और यहाँ पर फिर हमने भैया से पूछा कि यहाँ क्या क्या चीज़ें वो बताते हैं, तो आपसे बात कराते हैं क्योंकि ये बता रहे हैं कि रात को यहाँ पर 7:15 से शुरू करते हैं और जिसमें आपको ये क्या क्या ऑब्जर्वेशन कराते हैं वो बताएंगे. यहाँ पे रात में 7:15 से हमारा शो स्टार्ट होता है. उसमें हम आपको स्टार गेजिंग कराते जी, डीप स्काई ऑब्जेक्ट दिखाते और कॉन्स्टेलेशन के बारे में बताते. अच्छा. और उनकी शेप भी बताते और उनकी कुछ रिलेटेड ग्रीक मैथोलॉजी भी बताते. जनरली कितने लोग यहाँ पर आते हैं फ्रीक्वेंटली आपके पास? काफ़ी लोग आते हैं और अच्छे रिव्यू भी आ जाते हैं गूगल पे. अच्छा. हाँ, और डे टाइम भी हम जो है सोलर ऑब्जर्वेशन कराते हैं. उसमें हम सन को फिल्टर के थ्रू दिखाते हैं सेफली. ओके. और ये सभी का चार्जेस वगैरह किस तरह से आप लेते हैं? जो डे का है वो है 300 और जो नाइट का है वो 500. ओके. सो 300 और 500 रुपीज़ में आकर आप यहाँ पर इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. एंड ये दिस इज़ रियली एक्साइटिंग. जिन लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, इंटरेस्ट है, तो वो उनके लिए तो बहुत अच्छी जगह है ये. तो हम आ गए हैं नौकुचिया ताल के बोट्स जहाँ से आपको चलती हैं और यहाँ पर बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ हैं. एक तरफ आप देख सकते हैं नौकुचिया ताल है और दूसरी तरफ ये कमल ताल है. यहाँ पर भैया बता रहे हैं अभी कि बहुत, मतलब पूरा इस टाइम पे कमल ही कमल दिखते हैं. अभी आई थिंक अप्रैल से शुरू हो जाएंगे. विकास भैया हमारे साथ हैं जो पूरी जानकारी हमें दे रहे हैं. अप्रैल में वो कह रहे हैं अप्रैल मई जून में यहाँ पूरा ये भर जाता है कमल से. तो सोचिए कितना सुंदर लगेगा जब यहाँ पर कमल के फूल खिले होंगे. और शायद कुछ बता रहे हैं कि अभी क्यों नहीं दिख रहे हैं हमें ये. अभी क्या है, जो हमारे 2 साल से लॉकडाउन लगा था जी, तो उसमें हमारी लेक की सफाई नहीं हो पाई. हम एक ग्रास कार्प मछली होती है इसमें. अच्छा. उसको हम या तो निकाल देते हैं. अच्छा. और उस बार फिशरीज वाले जो हमारे आते थे वो भी नहीं आ पाए हैं, इसलिए इस बार मुझे नहीं लगता. देखिए लॉकडाउन में हमें ये भी नुकसान हुआ कि हमें अब कमल के फूल देखने को नहीं मिल रहा है. 2 साल से ये नुकसान हमें बहुत ज्यादा हुआ है. तो हमारा पूरा ये ताल भर जाता था. मई जून पूरा हमारा कवर हो जाता था, पूरा भर जाता था. और ये जो एक्टिविटीज यहाँ दिख रही है वाटर एक्टिविटीज, इनके चार्जेस क्या है? ये देखिए, जो पहली हमारी यहाँ इधर वाली बोट है, ये नॉर्मल सिटिंग वाली बोट है जी, ये 400 रुपीज़ की है, जिसमें 4 एडल्ट और 2 किड्स, 6 मेंबर जाते हैं इसमें. तो 6 मेंबर का क्या चार्ज बताया आपने? 400 पर बोट, नॉर्मल वाली. चाहे उसमें 6 लोग जाएं या 2 लोग. हाँ, जाएं, वो पर बोट का चार्ज रहेगा. बोट चार्ज. अगर आप एडवेंचर एक्टिविटी करते हो, जैसे कायाकिंग हो रही है सामने देख सकते हो आप. हाँ जी. अगर आपको कायाकिंग करना हो जी, तो वो पर पर्सन का रहेगा. वाटर अब्सॉर्बिंग है. एडवेंचर. अच्छा. एक्टिविटी आप कुछ भी करो तो पर पर्सन का चार्ज रहेगा. ठीक है. जिसमें जिपलाइन, कायाकिंग और वाटर अब्सॉर्बिंग, 3 एक्टिविटीज हमारे पास है. कितने मीटर की है आपकी जिपलाइन? जिपलाइन 200 मीटर की, 1 वे स्लाइडिंग वाली भी और 2 वे भी है. उसके क्या चार्जेस है? 500 पर हेड 200 मीटर्स की. अगर आप और लंबी करना चाहते हो, जिसमें पैरेलल रोप में गाइड भी रहेगा हमारा, वो 800 मीटर लंबी है. अच्छा. एक पैरेलल रोप में गाइड रहेगा. हाँ, उसमें स्पीड ज्यादा, स्पीड कंट्रोल. आई थिंक कायक में भी गाइड साथ में होता होगा. हाँ, एक सिंगल बोर्ड से हमारा गाइड रहेगा. अच्छा. एक बार हम आपको पहले ट्रायल दे देंगे, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है आप चलाइए. ट्रायल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है किसी एक मेंबर के लिए. वैसे इजी होता है चलाना? हाँ, इजी है. फर्स्ट हमारे लिए तो इजी है, आप फर्स्ट टाइम करोगे तो थोड़ा आपको लगेगा टफ. मैंने कभी नहीं किया, चलो देखते हैं. और बाकी आपने जो सारी बोट्स के सेम बताए हैं रेट? नहीं, अलग अलग है. बाकी एक हमारी ये सोफे वाली बोट है. अच्छा. ये 600 है. तो सिटिंग का मेन डिफरेंस है, अदरवाइज बोट तो सब ड्यूरेशन, सबका कैपेसिटी सेम है, ड्यूरेशन सेम है. ड्यूरेशन क्या है? 30 मिनट्स. 30 मिनट्स हाफ लेक ग्राउंड. अगर आप फुल करना चाहोगे तो 1 घंटे का हो जाएगा, डबल चार्ज हो जाएगा. पूरा कॉर्नर कॉर्नर, जितना बड़ा लेक 4 किलोमीटर का हमारा है, पूरे में घुमाते हैं. तो मिनिमम जो चार्ज है वो 400. हाँ जी, मिनिमम चार्ज. जो मैक्सिमम चार्ज है 600. 400 to 600 इट्स रीजनेबल. तो आधा घंटा आप आराम से लेक की सैर कर सकते हैं. और भी यहाँ पर मुझे शिकारा, किसके शिकारा ये वाला है? नॉर्मल वाला सेटिंग. अच्छा. सोफे वाला ये स्पेशल शिकारा, कश्मीरी शिकारा, स्पेशल शिकारा, पैडल 4 सीटर, पैडल 4 सीटर, पैडल 2 सीटर. तो इन सब का फुल राउंड, हाफ राउंड यहाँ पर प्राइजेस दिए हुए हैं. थैंक यू भैया, वेलकम. और अभी हमने पूछा यहाँ पर, क्योंकि पैराग्लाइडिंग मुझे करते हुए दिख रहे थे, तो पैराग्लाइडिंग के जो चार्जेस हैं 1000 रुपीज़ से स्टार्टिंग है. और साथ ही देखिए सामने मुझे ये KMVN के गेस्ट हाउस मुझे दिख रहा है. क्या अल्टीमेट लोकेशन है. आप देखिए वहाँ से बैठकर आपको पूरे लेक का नज़ारा यहाँ से मिलेगा. मैंने ये चीज़ नोटिस की है, GMVN और KMVN ने इतनी प्यारी प्यारी लोकेशंस ली हुई है ना अपने रिजॉर्ट्स के लिए. और अभी देखते हैं इनके रेट्स वगैरह किस तरह के हैं, टैरिफ क्या है वो पता करते हैं. तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल आपको रूम मिलता है और सामने आपको लेक का व्यू मिलता है. तो व्यू रूम्स यहाँ पर जो स्टार्टिंग रेंज इन्होंने बताई है 2700 रुपीज़ से स्टार्टिंग है, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट. यहाँ पर जितने भी ये ताल हैं यहाँ उसके आसपास आपको बहुत ही ब्यूटीफुल कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी है. तो यहाँ पर आप बैठ कर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, मील्स ले सकते हैं. वाओ, इतने सारे पपीज़, 12, सो क्यूट. 12 पपीज़ लेके बैठे हुए हैं. कहीं नहीं लेके जा रहे बेटा, कहीं नहीं लेके जा रहे हैं.
दो बहन भाई चले। हमारा बहुत मन है इसको ले जाने का, लेकिन हमें पता है कि एंड में हमें हमारे पास क्योंकि टाइम की बहुत कमी है इसलिए हम नहीं लेके जा पा रहे हैं, बट अदरवाइज मैं इसको जरूर लेके जाती हूँ। बहुत अच्छे से हमने विजिट करा दिया है आपको, और अब हम आपको होटल का अपना रूम भी विजिट कराना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ आते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कम बजट में, 1200 से 1500 के बीच में आपको यहाँ रूम मिल जाता है। और रूम देखिए आप, इतना बड़ा रूम है, और सबसे पहले तो मैं आपको डोर दिखाना चाहती हूँ, देखिए कितने सुंदर यहाँ पर कार्विंग की गई है। और ये देखिए डबल बेडरूम, काफ़ी बड़ा रूम है। इनफैक्ट इनके बाकी रूम्स भी स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो रूम है, ये स्पेशल रूम था, हमें मिल गया अब लेकिन हमने बुक तो छोटा रूम ही किया था। यहाँ पर आपको एमिनिटीज सारी मिलती हैं, लेकिन जिस तरह से देखिए आपको पूरा यहाँ पर लाइट्स, देखिए पूरा रूम देखिए आप, मतलब मुझे लग रहा था ये इनका कोई जैसे एग्जीक्यूटिव रूम्स होते हैं, लेकिन ये नॉर्मल रूम्स ही हैं इनके सारे। और लाइट्स जिस तरह से इन्होंने पूरा डेकोरेट किया हुआ है इस रूम को, स्पेस बहुत है, फैमिली रूम आप इसमें इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा बेडिंग हो जाएगी, प्रॉपर आपको यहाँ पर मिरर मिलता है, टीवी है, यहाँ पर आप अपना लगेज सेट कर सकते हैं, हालांकि हमारा कमरा थोड़ा सा फैला हुआ है। सिटिंग है यहाँ पर, अटैच वॉशरूम है विद गीजर एंड अदर एमिनिटीज। हमने गाड़ी यहाँ पर पार्क की हुई है, आप बाहर भी कर सकते हैं, सामने रिसेप्शन है, यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर आते हैं, ऊपर भी रूम्स हैं। ऊपर के रूम्स में आपको यहाँ पर सिटिंग एरिया दिया हुआ है जहाँ से आपको व्यू बहुत अच्छा मिलता है। और देखिए हमारे होटल के ऊपर ही हमें दिख रहा है पैराग्लाइडिंग करते हुए, बहुत ऊपर है ये, हाइट बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह के यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, इनफैक्ट होम स्टेज भी हैं कम रेंज में आपको मिल जाते हैं। सर्विस की जहाँ तक बात होती है, तो जब इस तरह के होम स्टेज और होटल्स में हम रहते हैं तो बहुत ज़्यादा सर्विसेज हमें एक्सपेक्ट ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमने चाय ली इनसे, खाना मुझे लगता है ठीक ही होगा क्योंकि चाय अच्छी थी। और यहाँ पर रेस्टोरेंट है इनका आसपास ही, क्योंकि हमने ये जगह इसलिए चूज़ की क्योंकि हमें ये पूरा एरिया देखना था, जितने भी ताल हैं यहाँ पर। तो आई एम श्योर आप भी आएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, और इस तरह के ऑप्शंस आप ले सकते हैं। तो देखिए फाइनली हमने बाइनोक्यूलर्स ले लिए हैं, क्योंकि अब घर जा रहे हैं तो बच्चों की डांट तो खानी नहीं है, तो बच्चों के लिए हमने गिफ्ट ले लिया है। हम रात को आने वाले थे, लेकिन क्योंकि रात को अब हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो हम लोग निकल रहे हैं वापस ऋषिकेश, तो हमने गिफ्ट ले लिया है। लेकिन ये एक्चुअली जगह इतनी अच्छी है और यहाँ पर इतनी सारी चीजें हैं, जिसको इंटरेस्ट है उसके लिए तो ये आई कांट से। देखिए जस्ट 150 रुपीज में आपको इन्होंने बताया अभी हमें, यहाँ से हमें क्या पता चलता है स्काई दीजिएगा, आज का स्काई, पूरा आज का स्काई पूरी सारी इसमें डिटेल्स आपको मिल जाती है। तो इसको हम सेट करते हैं डेट वाइज, राइट, कौन से स्टार्स का, हाँ डेट वाइज हम इसको सेट करते हैं, तो इससे पता चल जाता है। ये भी हम ले लेते हैं, और यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, तो आप यहाँ आएंगे तो ये शॉप आप विजिट कर सकते हैं, इनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इनकी कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो ये आई थिंक आप वैसे भी बाय पोस्ट भी भेज देते हैं, तो आपको बाय पोस्ट घर बैठे भी ये चीजें मिल जाएंगी, और रेट्स भी डिस्काउंट भी भैया ने हमें दिया है, तो आप डिस्काउंट भी करा। तो इसी तरह से वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए, और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी तो देखिए भीमताल की इतनी सुंदर जगह हमने आज आपको दिखाई है, इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको दिखाई हैं, लेकिन साथ ही एक डेस्टिनेशन वेडिंग हमने कवर की है जो देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो और सबसे अच्छी बात है कि वो बहुत बजट में है, तो इसलिए हमें और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा हो, और आपको भी लगेगा, कॉमेंट करके ज़रूर बताएं इस पर भी और नेक्स्ट वीडियो में भी। जल्दी मिलते हैं, जय माँ गंगे हर हर गंगे।